रहीम आयात फाउंडेशन क्रिकेट टूर्नामेंट सिलसिले में आज का ये शानदार मैच मुस्लिमाबाद क्लब क्वेटा और उनके मुकाबले में ग्रीन वॉरियर क्लब क्वेटा के दरमियान इस वक्त ये इंटरेस्टिंग मैच कुछ ही देर बाद शुरू होने वाला है। इस वक्त टॉस हो गया है, मुस्लिमाबाद क्लब ने टॉस जीतकर पहले उससे ये फैसला करेंगे। जी सर, आपने टॉस जीता है, आप पहले क्या करना चाहेंगे? पहले बैटिंग करना चाहते हैं। और इस टूर्नामेंट के हवाले से आप क्या कहते हैं आयात खान, जो कि हर साल इस तरह के शानदार टूर्नामेंट्स इन्हें मुनक़िद करवाते हैं, क्या कहते हैं? आयात का तो माशाल्लाह से मुनफरद टूर्नामेंट है पूरे कुचलात में, बिल्कुल क्वेटा में अच्छा टूर्नामेंट करा रहे हैं, तो बिल्कुल उनसे मुतासर हो चुके हैं। बड़ी मेहरबानी। जी इस वक्त मेरे साथ ग्रीन वॉरियर के कप्तान मौजूद है। जी सर, टॉस जो है वो मुस्लिमाबाद क्लब ने जीत लिया है, आप लोगों की क्या हिकमत अमली है? पहले बॉलिंग करते हुए आप किस हद तक उनको डिफेंड करने में कामयाब हो जाएंगे, कितने टोटल तक? हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह इनको 150 तक हम लोग कवर कर सकें। इंशाल्लाह हमारे साथ बॉलिंग भी अच्छी है और उसके बाद बैटिंग भी हमारे साथ माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो हमारी कोशिश ये होगी कि जितना कम स्कोर होगा हमारे लिए उतना ही अच्छा। बिल्कुल, हर टीम की यही ख्वाहिश। फाउंडेशन क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि हर साल मुनक़िद करवाते हैं और अब एक ब्रांड बन चुका है कुचला के लोगों के लिए, इस हवाले से, इस ग्राउंड के हवाले से, टूर्नामेंट इंतजामिया और नस्म ज़ब्त के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो कोई शक नहीं है कि हयात ने पिछले दो टूर्नामेंट्स में भी अच्छे किरदार अदा किया है और यहाँ पे अच्छे प्लेयरों ने मैचेस भी खेले हैं, यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान वगैरह सब कुछ यहाँ खेल चुके हैं, इस पिच से बहुत मुतासर हो चुके हैं और हम और भी यहीं इसके साथ तआवुन करने की कोशिश करें कि अच्छा से अच्छा टूर्नामेंट इसके साथ और भी मुनक़िद करें और हम अच्छे से अच्छा टूर्नामेंट खेलें। शुक्रिया। सो सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि मुस्लिमाबाद क्लब क्वेटा ने टॉस जीत कर पहले खुद खेलने का फैसला किया है, देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम सुरखरू होती है।